इस वक्त मेरे पास दो व्हाट्सएप है, एक बिजनेस व्हाट्सएप है और एक जीबी व्हाट्सएप है। तो मेरा जो अपडेट्स प्रॉब्लम जो है वो जीबी व्हाट्सएप में इस तरह से पॉपअप आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपका लेटेस्ट है 17 16 है तो ऑटो अपडेट हो जाएगा, इजिली ऑटो अपडेट होगा। कैसे ऑटो अपडेट करना है वो मैं दिखाता हूँ। ये आपको पहले क्या था कि पहले प्ले स्टोर खुलता था, लेकिन अब प्ले स्टोर नहीं खुलेगा। जैसे यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करते ही हमारे पास एंड्रॉयड वेब्स डॉट कॉम का एक साइट खुल जाएगा। इसी में हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करना है यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे ही हम उसी को दबाए, डाउनलोड को हम दबाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन खोजना है हमें। ये नया ऑप्शन आया है, देखिए यहाँ पे, देखिए देखिए 17.30 यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक को दबाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ 10 सेकेंड वेटिंग कराएगा, 10 सेकेंड वेटिंग करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, वो भी बिना आपका डेटा खोए। कोई भी डेटा लॉस होने वाला नहीं है। इसे डाउनलोड एनी वे कर देना है। डाउनलोड एनी वे करते ही आपका डिटेल्स यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा, और डिटेल्स में यहाँ पे टच करेंगे यहाँ पे, तो ये रहा हमारा ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुका है। और पहले का जो हमारा जीबी व्हाट्सएप है उसे बिना हटाए, बिना अनइंस्टॉल किए इसे हमको टच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें अपडेट कर देना है इस तरह से। यहाँ पे जैसे हम अपडेट करेंगे, डिस लाइन एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट हो जाएगा। ये हमारा देखिए सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसे मैं अभी ओपन करूंगा तो कोई भी अपडेट का ऑप्शन नहीं शो करेगा, बल्कि हमें एक पॉपअप आएगा कि आपने लेटेस्ट अपडेट कर चुका है। ये देखिए 17.30 है। यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल ओपन हो चुका है। ये अभी फिर से रन होने लगा है। कोई भी डेटा अभी तक हमारा लॉस नहीं हुआ है, अनइंस्टॉल करना नहीं पड़ा है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से नए अपडेट्स व्हाट्सएप रिलेटेड देखने के लिए जरूर हमारे चैनल को जुड़े और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।